नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की मेरी वीडियो कोरोना काल पर आधारित है। कोरोना काल में हम अपने घरों में सब्जियां, फल और बाकी राशन का सामान कैसे रखें, तो चलते हैं। दोस्तों, जब आप घर पर सब्जियां आदि लाएं, तो उन्हें नमक वाले पानी में धो लें। सब्जियां धोने के लिए टब या बाल्टी का प्रयोग करें। सब्जियां धुलने के बाद उन्हें टोकरियों में निकाल लें और उनका पानी सूखने के लिए रख दें, या फिर उन सब्जियों को एक एक करके किसी कॉटन के कपड़े से पोंछ लें और उन्हें थोड़ी देर के लिए पंखे में छोड़ दें, जिससे उनका पानी सूख जाए। अब हमारी सब्जियां फ्रिज में रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्याज, लहसुन आदि बाजार से लाने के बाद उसे ऐसे ही किसी जगह पर रख दें। 2 दिन के बाद उसे यूज करें। इसी तरह जब हम राशन का सामान लाते हैं, तो उसे सैनिटाइज करके किसी कोने में रख दें 24 घंटे के लिए, जिससे उसमें मौजूद सारे वायरस मर जाएं और इसके अगले दिन सामान को यूज करें। इसी तरह हम वायरस से बच सकते हैं। जब हम मार्केट जाते हैं, तो वहां से हम जो भी चीजें लाते हैं, उन चीजों को किसी न किसी ने छुआ होगा। इसके लिए आप ग्लव्स पहने या फिर आने के बाद हाथों को सैनिटाइज करें और साबुन से धोएं। जब भी आप ड्यूटी या फिर काम के बाद घर आते हैं, तो घर आने के बाद अपनी सारी चीजों व हाथों को सैनिटाइज करें, और अगर हमारे पास सैनिटाइजर नहीं है, तो उन्हें साबुन से हाथ धोना चाहिए और अपने पहने हुए कपड़ों को धोकर नहाना चाहिए। दोस्तों, जितना हो सके बाहर के लोगों से दूरी बनाकर रखें और कम से कम ट्रैवल करें। और इसके अलावा अगर कोई आपके घर में काम करने वाला आता है, जैसे दूध वाला, कारपेंटर, प्लम्बर या फिर बिजली बनाने वाला, तो आप सबसे पहले उनके हाथों को सैनिटाइज करें, ताकि वो आपके घर में किसी भी जगह को छुए तो वो वायरस मुक्त रहे। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मेरी अगली वीडियो में मैं आपको साबुदाने की कचौड़ी बनाना बताऊंगी, और मेरी वीडियो आने तक आप इंतजार करें। धन्यवाद।